हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यूनेट से रिफंड किस तरह से ले सकते हैं आप, ठीक है, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे केस है जिसमें आईआर को कुछ नहीं बताया गया इस बिजनेस के बारे में, और उसके अपलाइन ने बोला कि वीआन डायरेक्ट सेलिंग वीडियोस पर जिसमें अकाउंट पैसे ट्रांसफर कर दो, उसने ट्रांसफर कर दिया। और ट्रांसफर करने के बाद से उसके अपलाइन ने एक दूसरा ईमेल एड्रेस बना करके, एक फेक ईमेल एड्रेस बना करके और अपना मोबाइल का ओटीपी यूज करके उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया और प्रोडक्ट भी परचेस कर दिया। उसके बाद से ये पता चला कि और जब अपलाइन ने उसके आईआर को बोला कि ड्रीम लिस्ट बनाओ, और उसके बाद से जब वेलकम सेशन आया तो जा करके उसको पता चला आईआर को कि ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, बट वो अब नेटवर्क मार्केटिंग करना नहीं चाहता, उसका रिफंड चाहिए। तो 10 दिन के बाद फॉलो अप करने के बाद से जा करके ये उसका ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड दे रहा है। तो चलो लॉगिन करते हैं, उसके ईमेल एड्रेस और उसके अकाउंट से आयर आईडी मिला, उसके अकाउंट से हम लॉगिन करके देखते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट परचेस किया हुआ है और किस तरह से रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कब परचेस किया हुआ प्रोडक्ट वगैरह, ठीक है। तो मिनिमाइज कर देते हैं, और मिनिमाइज करने के बाद से यहाँ पे ऑप्शन है माई ट्रांजेक्शन, ठीक है। सो ये माई ट्रांजेक्शन में हम जा करके यहाँ पे क्लिक करते हैं, और वहाँ पे ऑर्डर एंड पेमेंट हिस्ट्री है। इस पर क्लिक करने के बाद से आपको एक विंडो ओपन होगा जिसमें पता चलेगा कि क्या क्या प्रोडक्ट परचेज किया हुआ है। इसमें 3 प्रोडक्ट है जो कि डिनर सेट है, 2 वॉचेस है, 2000 का, 2000 2000 मतलब 6000 का प्रोडक्ट परचेज किया गया है, ठीक है। सो ये अभी देखते हैं कि इसमें प्रोडक्ट जो शिपमेंट है वो हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस पर क्लिक करते हैं प्रोडक्ट शिपमेंट पे। तो अभी सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट को शिपमेंट किया हुआ है, वहाँ से निकला हुआ है प्रोडक्ट बैंगलोर से, तो पहुँचा नहीं है। तो हमने आयर को बोल दिया कि भाई प्रोडक्ट को मत एक्सेप्ट करो, ठीक है, और ताकि वो वापस चला जाएगा। और चलिए रिटर्न पॉलिसी यहाँ पे क्या क्या है, रिटर्न का फॉर्म देखते हैं। प्रोडक्ट रिटर्न फॉर्म है यहाँ पे, ये प्रोडक्ट रिटर्न फॉर्म देखते हैं और इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए फिलअप करके और भेजने के लिए। तो जब आप लॉगिन करते हैं तो ये प्रोडक्ट रिटर्न फॉर्म है, ये सब इंफॉर्मेशन इसमें फिलअप करना पड़ेगा, और ये सब फिलअप करके और फिर आपको ईमेल करना पड़ेगा। ये सब इंफॉर्मेशन आपको, ये जो जब प्रोडक्ट परचेस करते हैं ना, तो उस आपको एक रिसिप्ट मिलती है, तो उस रिसिप्ट के अंदर ये सब इंफॉर्मेशन रहता है। तो आपको जैसे रिसिप्ट मिलेगा तो उसमें आप चेक कर सकते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन वगैरह वहाँ पे रहेगा। तो जस्ट कॉपी पेस्ट करके इसमें फिलअप कर देना डिटेल्स वगैरह, या और फिर दे सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ है, जब आप ईमेल करेंगे ना तो उसमें ऊपर आपको जिस रेफरर है ना उसका आईआर आईडी भी चाहिए रहेगा। तो वो आईआर आईडी आप माय एक्टिविटीज के अंदर परफॉर्मेंस पे क्लिक करके और विजुअल जो जिनोलॉजी है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट फर्स्ट में मिल जाएगा, फर्स्ट 001 जो रहेगा ना वहाँ पे उसका आईआर आईडी मिल जाता है, ठीक है। तो आपका रेफरर का, तो वो आईआर आईडी यूज करके और आपको मेल करना है। तो मैंने पूरा फॉर्म तो फिलअप कर लिया अभी, और अभी आपको बताता हूँ क्या क्या है फिलअप किया है। तो ये चीज़ें हैं। अभी देखिए, जो जो भी प्रोडक्ट जो परचेस होता है ना तो उसका 30 डेज मनी बैक रहता है, क्योंकि एज पर दी जो इंडियन का डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस है तो वो 30 डेज के लिए रहता है। सब सब जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है सबका 30 डेज है, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन फिलअप कर दो फटाफट, और प्रोडक्ट रिटर्न जो है वो फुल कर देना। ये सब इंफॉर्मेशन फिलअप करने के बाद से फिर support.center@qnetindia.in इनको मेल करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका जो पैन कार्ड है उसका स्कैन कॉपी करके आप अटैच कर देना, और प्रोडक्ट का जो परचेस रिसिप्ट है ना वो परचेस डाल देना, और रिटर्न फॉर्म जो अभी आपने दिखाया वो फिलअप करके डाल देना। ईमेल में ड्राफ्ट कर देना कि मुझे ये बिजनेस किस पर्सन ने बताया था, उसका रेफरल आईडी और उसका नाम डाल करके, और क्योंकि उसने बंदे ने मुझे एक्सप्लेन नहीं किया ये सब चीज़ों के बारे में, और इसके लिए मैं बिजनेस में नहीं करना चाहती हूँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, तो मुझे रिफंड मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये सब डिटेल डाल करके नेम, आईआर आईडी, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर डाल दीजिए, और डाल करके आप इसको सेंड कर दीजिए ईमेल को, ठीक है। अभी ईमेल सेंड होने के बाद से आपको ना एक ये रेफरेंस आईडी मिलता है, मतलब केस आईडी मिलेगा आपको, ठीक है। सपोर्ट सेंटर
आपको रेफरेंस आईडी देगा। तो रेफरेंस आईडी यूज करके जो भी फ्यूचर में जो भी कम्युनिकेशन होगा ना उसके ऊपर करना कम्युनिकेशन, ये चीजें हैं। और अभी इन्होंने क्या किया था, ये डायरेक्टली क्यूनेट को पैसे ट्रांसफर किए थे ना, तो इनका कैसा है कि इनके ही अकाउंट में आएगा अमाउंट, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली वहाँ क्यूनेट को पे किया था। यदि इनका केस ये है, किसी किसी केस में क्या होता है कि आयल जो रहते हैं वो अपने अपलाइन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं पैसा, और फिर वो जो अपलाइन होते हैं वो क्यूनेट को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, और फिर वहां से कूपन लेते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो रिफंड अमाउंट होता है वो आपके अपलाइन के अकाउंट में आएगा। अब जब अपलाइन के अकाउंट में आएगा ना, तो देखो अभी उन लोग क्या, मैं कभी कभी ये मैं इतने सारे यूट्यूब से वीडियो देखे हुए हैं और बहुत लोगों से बात करता हूँ, तो पता चलता है कि कुछ कुछ आया जो अपलाइंस है ना वो पैसे कट कर देते हैं, जो कि क्यूनेट जो है ना फुल अमाउंट रिफंड करता है, लेकिन लोग कुछ पैसे कट कर देते हैं, ये चार्जेस वो चार्जेस ऐसा वैसा करके कट कर लेते हैं। तो आप लोग मेक श्योर कि पूरे के पूरे पैसा इनसे लिया, और अभी तो ये 30 डेज का था। अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली वर्ल्ड के वर्ल्ड पोर्टल है ना क्यूनेट का, उसके ऊपर से जा करके वहाँ से बाय करते हैं वो वर्ल्ड पोर्टल के हिसाब से। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसका जो रिफंड पॉलिसी है वो 7 डेज ही होता है, और 7 डेज होता है तो लोगों को तो वेलकम सेशन और ये ड्रीम लिस्ट में ही इन लोग लटका के रखते हैं, जिसकी वजह से वो 7 डेज का जो पॉलिसी है वो निकल जाता है, तो फिर रिफंड पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जी मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये जो बिजनेस है क्यूनेट, ये एक रिलेशनशिप का बिजनेस है बेसिकली यार। देखो अभी कोई बंदा कोई बिजनेस करना भी है तो जो बिजनेस करने का जो फाउंडेशन है पहले ही वो झूठ से चालू करेगा बिजनेस का, तो वो यार कोई भी बिजनेस में, यार नॉट ओनली दिस नेटवर्क मार्केटिंग या बिजनेस, या कौन से बिजनेस में रहे हम लोग, जो बंदा जो किसी साथ पार्टनरशिप करना है उस साथ में काम करना है, तो जो पहला ही जो फाउंडेशन है झूठ से चालू होएगा तो मतलब नहीं रहता है कि यार उसके साथ आगे बिजनेस करने का, क्योंकि वो झूठ बोल के बिजनेस चालू करता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से यार बचो आप लोग, मत करो ऐसे लोगों के साथ में काम, लोग जस्ट फॉर अ सेक ऑफ सम कुछ पैसे के लिए अपना जमीन भी बेच देता है, रिलेशनशिप फालतू में स्पॉइल करता है। तो मेक श्योर कि आप लोग ऐसे लोगों पे कंप्लेन करें नेटवर्क इंटीग्रिटी के ऊपर, और मेक श्योर कि इन लोग के जो आईडीज है, जो आईआर आईडीज है, आईडीज टर्मिनेट हो, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, अभी बड़ा हो जाएगा वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो मैं आपसे मिलता हूँ, कुछ नया लेके आता हूँ, नई चीज़ें क्यूनेट के बारे में है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए क्यूनेट के बारे में तो आपको कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उसके ऊपर आप वीडियो बना करके आपको डिटेल्स दे दूँगा, ठीक है। और ये वीडियो को आप लोग फॉरवर्ड कर सकते हो आपके अपलाइन डाउनलाइन या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में, जिसको भी करना है आप कर सकते हो, मे बी इनके लिए हेल्पफुल रहेगा ये। चलिए फिर मिलते हैं, लेट्स बिल्ड द बिजनेस इथिकली, द वी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।